बिग बॉस सीजन 14 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान ने किए बड़े खुलासे, विरोधियों पर साधा जमकर निशाना। डर लग रहा है, खुशियां छीन लेते हैं दुश्मन, जो लोग मेरी बुराई करते हैं उनको भी थैंक यू। बिग बॉस 14 में सबसे कम फीस क्यों ले रहे सलमान खान? वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। बिग बॉस सीजन 14 की महामस्ती शुरू होने जा रही है। फैंस इस मस्ती में डूबने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिग बॉस 14 का ग्रैंड प्रीमियर 3 अक्टूबर को होने वाला है। शो को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार कौन कौन से सेलेब्स शो का हिस्सा होंगे। वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस 14 का ग्रैंड प्रीमियर शुरू होने से पहले बीबी 14 को लेकर कुछ खास जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें होस्ट और सबके दोस्त सलमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बेहद दिल छू लेने वाली बात कही। सलमान ने कहा, जो लोग मेरी तारीफ करते हैं उन्हें भी थैंक यू, और जो लोग मेरी बुराई भी करते हैं उन्हें भी थैंक यू। इसके साथ ही सलमान खान ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि वो सबसे कम सैलरी ले रहे हैं। उन्होंने ऐसा फैसला इसलिए किया है ताकि शो की पूरी यूनिट को पूरा पैसा मिल सके। सलमान ने कहा कि मैं अपनी सैलरी कटवा कर खुश हूँ ताकि सभी को पैसे मिल सके। सभी को इस वक्त रोजगार मिलना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही सलमान ने कहा कि ये जो 16 कंटेस्टेंट्स हैं वह खुश होंगे क्योंकि उनको काम मिल रहा है, बाकी जगह शूटिंग बंद है। कहीं शूटिंग हो भी रही है तो किसी न किसी को कोरोना हो जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी शूटिंग बंद हो जा रही है। अब ऐसे में ये जो लोग बिग बॉस के घर में जाने वाले हैं, वो सब लोग 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे, उसके बाद घर के अंदर जाएंगे और अगले 3 से 4 महीने बहुत ही सेफ रहेंगे। अब घर में रहने वाले अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बाहर हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इस बात की खुशी है कि बिग बॉस हो रहा है और इसकी वजह से बहुत से लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। इसके साथ साथ सलमान खान ने अपने फैंस को कई सारे सरप्राइज देने की भी बात कही। अगर आप भी बिग बॉस की हर अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो आज ही अपने फेवरेट चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को करें सब्सक्राइब, ताकि आप रह सकें बिग बॉस की हर अपडेट से अपडेट।